सब्सक्राइब करिए विदिश कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिश कुकिंग। त्योहारों की सीज़न है, तरह तरह की मिठाई खाने का सभी को मन करता है और बिल्कुल बाजार में मिलती है उस तरह की मिल्क बर्फी हम घर पे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो आज इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से घर में बिल्कुल बाजार जैसे टेक्सचर और टेस्ट वाली मिल्क बर्फी 10 मिनट में कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। त्योहारों के सीज़न में मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मिठाई पसंद आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से 10 ही मिनट में बन जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन में मैं ले रही हूँ घी। यहाँ पे हम मेल्टेड घी जो लेते हैं वही वाला घी लेंगे, घर में जो नॉर्मल होता है वही वाला। तो यहाँ पे मैं इसको टोटल ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, और उसी सेम मेजरमेंट से मैं यहाँ पे लेंगी 4 टेबलस्पून मिल्क। नॉर्मल जो हमारा दूध है जो बॉयल करने के बाद में ठंडा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो ही मैंने लिया है। तो उसको मैं ले लूँगी 4 टेबलस्पून मिल्क। मेज़रमेंट आप इसी तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। और एक बार घी और दूध हम हल्के से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें कुक करना है लो फ्लेम पे। तो अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप, 1 कप प्लस 1/4 कप लिया है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के मिल्क पाउडर मिलते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं और सब में सेम टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डालने के बाद में इसको हम बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी आपको सूखा सूखा लग रहा है पर जिस तरह से धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जाएंगे और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर ले लेगा, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए एक बार अच्छे से मिल्क पाउडर मिक्स हो जाने के बाद में इसमें हम डालेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप शुगर, और 1/4 कप शुगर के प्रपोर्शन में ये परफेक्टली मीठी बन जाती है बर्फ़ी। तो आप इस मेजरमेंट्स के हिसाब से डाल सकते हैं, या अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है या कम पसंद है तो उसको शुगर के पोर्शन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पर ही मिक्स करते जाना है। और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे कुक करते जाएंगे मिक्स करते जाएंगे इसका टेक्स्चर थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाएगा और धीरे धीरे करके ये साइड्स को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं चम्मच घुमा रही हूँ तो चम्मच के साथ ही ये मिक्सर उठकर आ रहा है और ये परफेक्ट टेक्सचर रेडी होना शुरू हो गया है। बस मैं इसको 1 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी ताकि हमारा जो पैन परफेक्टली छोड़ना शुरू कर दे जब हम इसको उठाते हैं तो। और ये देखिए मैं इस तरह से इसको डो को घुमा रही हूँ, परफेक्टली डो जैसा बन चुका है और जिस तरह से हम चम्मच घुमा रहे हैं उसी तरफ ही घूम भी रहा है और एकदम से परफेक्टली इसने सारी साइड्स रिलीज कर दी है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो इसको मैं निकालूंगी यहाँ पे ट्रे में जिस पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा रखा है। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो जस्ट ट्रे पे आप घी अप्लाई कर दीजिए और उस पे आप इस मिक्सचर को लगा लीजिए। और इस तरह से जिस थिकनेस की आपको बर्फ़ी चाहिए आप उस थिकनेस की बर्फ़ी इस पे अच्छे से प्रेस कर करके उसको रेडी कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी मोटी थिकनेस की बर्फ़ी बना रही हूँ, ये देखिए कुछ इस थिकनेस की, इसलिए मैंने इस तरह से फैलाया। अगर आपको पतली पसंद है तो आप और पतला भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से एकदम से फैलाने के बाद में इस पे मैं चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आलमंड्स और कैश्यू, आप चाहे तो पिस्ता किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ी टूटी फूटी भी लगा सकते हैं, जो भी पसंद है आप वो लगा करके इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस ज़रूर से करिए वरना ये ऊपर ऊपर से निकल आएगा जब आप कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी और अब लगाने के बाद में हल्के से प्रेस करने के बाद में इसको हमें रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देना है। तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने रख दूंगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम बर्फी के पीसेस करेंगे। ये देखिए बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है परफेक्टली रूम टेम्परेचर पे। तो इसको आप जो शेप्स में कट करना चाहते हैं आप उसमें कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप कर रही हूँ, अगर आपको बाजार में मिलती है वैसे रेक्टेंगल शेप की लंबी लंबी जो बर्फी आती है वो कट करनी है तो वो भी कर सकते हैं।
या आप जो साइज का और शेप का पसंद करते हैं आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कट हो जाती है। और ये देखिए इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ, इंस्टेंट बर्फी है मिल्क की, पर बहुत ही अच्छा सा मावेदार बर्फी जो होती है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से निकल आती है, बहुत ही आसान तरीके से इसके पीसेस भी हो जाते हैं। और ये देखिए टेक्सचर, मैं जिस तरह से आप तोड़ रही हूँ उस तरह से आपको पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर वाली ये मिठाई बनी है। तो आप इस त्योहारों के सीजन में ये मिल्क बर्फी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट में बन जाने वाली इस बर्फी की रेसिपी बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी तो लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।